तो कोटद्वार में मावाकोट एक जगह है, वहाँ पे गेंद का मेला होता है। तो कुछ गैस एक्स्ट्रा हो गई तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है और डर लग रहा है इसलिए निकल। तो आज लंच पे ये देखिए स्पेशल चीज बन रखी है, खिचड़ी, उड़द के पकोड़े और ये चटनी, हरी चटनी, तिल की चटनी, उड़द के पकोड़े। किस उपलक्ष्य में बनाए एक बार ये भी बता दो। आज संक्रांत है ना, मकर संक्रांति, तो सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मकर संतरे आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप भी बोल दो। मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। जल्दी खा लो आपको भी खा लो पहले। हाँ पहले खा लो तब बोलना। पकौड़े तो सच में बहुत अच्छी हो रही है और खिचड़ी भी काफी अच्छी है और सॉस के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कुमाऊं में आज घुगते त्योहार भी होता है, इसी को घुगते त्योहार भी बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं, उनके यहाँ घुगते घुगते त्योहार बोलते हैं। तो वो मतलब बनाते हैं यूं करके, जैसे जलेबी टाइप है कुछ, लगभग ऐसे ऐसे कुछ बनाते हैं। हम लोग खिचड़ी, हम लोग तो खिचड़ी यार ये बनाते हैं, पकौड़ी वकौड़ी, तिल के पकौड़े, हाँ पकौड़ी, छोले, कुछ जैसे जो भी बनाते। छोले क्यों नहीं बनाए आपने? हमें दूसरे दिन बना दूंगी। और अभी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ मैं, जैसे ही ब्लॉग अपलोड हो जाएगा उसके बाद हमारा प्लान है कहाँ जाने का। देवी मंदिर, हमारे कोटद्वार में देवी मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे। देवी मंदिर एक लैंडमार्क की तरह भी काम आता है, जब भी किसी को कहीं जाना होता है तो देवी मंदिर बता देते हैं कि देवी मंदिर से राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना, सीधा आ जाना, ऐसे करके। पूरी देवी रोड है उसी मंदिर के नाम पे, पूरी देवी रोड। पर देवी मंदिर तो बोलते ही है ना, बहुत पुराना मंदिर भी है, बहुत फेमस भी है। तेरी मम्मी की नई जैकेट डिकैथलॉन से जो ली थी कैसी लग रही है? वो अभी ना वहाँ से ली, वो एक इतनी गंदी है ना, पर मैंने बोला भी क्यों ली, उससे पहले वाली जो लाई, पहले तो एक लाई, मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, थोड़ा ठीक लग रही, नहीं ये तो मैं चेंज। किसके लिए? अपने लिए, आपके लिए? अरे अपने लिए, और इतनी गंदी ला रखी है अब तो। अच्छा वो छोड़ो, वो पहने भी नहीं, वो तो छोड़ो, आपके लिए भी ला रखे एक। ये टेंडर है। अरे मेरे को नहीं पहनना भैया, मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है। ये पहनो, ये पहनो, एक बार पहन के देखो। ये तो ठीक है, 1000 रुपए की। और कौन सा? ये यकीन नहीं हो रहा ना, पर है सच में 1000 के। 1000 की कहाँ है? 999, 999 की। डिकैथलॉन का वो है, सेल, सुपर सेल। एक बार पहन के तो देखो, उसको निकाल के इसको पहनो। जीप जो कुछ है नहीं, बेकार सेल है, जैसे वो नहीं होता नहर के किनारे वाला। लगता सही रहा है, बिल्कुल हल्का लग रहा है। तो हल्का तो 1000 रुपए में क्या चाहिए आपको? अबे तो गरम तो होना चाहिए। गरम तो होगा ही, कहीं नहीं है गरम। तो पहनोगे नहीं कभी? अरे पहन लेंगे। तो अभी हम लोग देवी मंदिर आ गए थे, जैसे कि मैंने कहा था कि देवी मंदिर जाना है आज, तो यहाँ पे कुछ दान करना है, तो आज आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ठीक है, नीचे बैठे जैसा मिल जाए बाबा को वैसे ही बैठे। ठीक है बेटी, अब आज रहो लेते। नहीं खाते आप? नहीं। अच्छा अच्छा, आज सब खिला रहे होंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल जी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है अंकल जी। तो अभी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं मावाकोट की तरफ। पापा का मन था वहाँ जाने का, तो पापा ही बताएंगे कि क्या होने वाला है वहाँ पे। कुछ नहीं हो रहा हूँ। तो फिर क्यों जाना है? तो वो तो ऐसे ही जरा देख के आ जाते हैं, कुछ हो भी रहा कि नहीं, इस बार मना नहीं कर रखा। अरे नहीं तो बताओ ना कि क्या होता था पहले वहाँ। गेंद का मेला होता है यहाँ पे, तो कोटद्वार में मावाकोट एक जगह है, वहाँ पे गेंद का मेला होता है, और साथ ही साथ कोटद्वार से आगे दुगड्डा पड़ता है, तो वहीं पे डाडा मंडी एक गाँव है, तो वहाँ पे भी गेंद का मेला होता है। मतलब वो डाडा मंडी वाला ज्यादा प्रसिद्ध है लोगों में। यमकेश्वर में थल नदी भी है एक जगह, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है। तो इस बार कोरोना की वजह से कहीं पे भी नहीं हो रहा है मेला, कैंसिल कर दिया। पहले था कि होगा मेला, हर जगह बात फैली हुई थी कि मेला होगा इस बार, बढ़िया होने वाला है जैसे हर साल होता है, पर फिर एकदम से जो अभी कोविड केसेस बढ़े तो उसकी वजह से कैंसिल हो गया।
जो हमने जैकेट पहन रखी है उससे मोटी है पतली है? मोटी है बहुत। कितने की है? 600 रुपए। 600 रुपए में तो क्या बुरा है। ये कितने की है? 600 की। ये भी 600 की? ये तो बहुत सही लग रही है। ये 50 रुपए का देख रहे, बहुत ही महंगा है। तो कैसे कैसे दिए बॉल स्पाइडरमैन? क्या हो गया, बंद क्यों कर रहे हो? पुलिस वाले मना कर रहे हैं। अच्छा पुलिस वाले, पुलिस वाले आ गए भाई साहब, पुलिस वाले आ गए, फटाफट बंद करो। लिए लो, हम देखने जा रहे थे और भैया ने पूरी दुकान नहीं उठा ली अपनी। इसका सर कब तक रहता है? एक दिन चल जाता है। एक दिन चलता है, कल डाउन हो जाएगा। ये हीलियम वाले जो गुब्बारे होते हैं जिससे गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं, तो कुछ गैस एक्स्ट्रा हो गई तो इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है और डर लग रहा है, इसलिए निकलते हैं फटाफट। तो आज हमारी पार्किंग में किसी और ने खड़ी कर दिया, तो इसलिए हमें यहाँ खड़ी करनी पड़ी गाड़ी। और साथ में शादी भी आज हमारे बीएल में। ये देखो ग्राउंड में पूरा टेंट लग रखा है पूरे के पूरे, तो शाम को वहाँ भी जाना है। तो यहाँ पे भाई आ रखे थे मिलने के लिए। मेरा नाम दीपक धूलिया और मैं पटियाला पंजाब से हूँ, और मेरे को भैया के ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी आप सभी देख रहे हैं प्लीज भैया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप अंदर क्यों नहीं आ रहे, अंदर आए थे सभी से इंट्रोडक्शन? पर अभी थोड़ा जल्दी में था, वो अज्जू भी आ रखा था मेरे साथ दोस्त, उसको भी जाना है कहीं पे। मैं भैया का कल से वेट कर रहा था। मैंने पहले भैया ने कहा कि मैं 7 बजे आऊंगा, पर भैया 7 बजे भी नहीं आए। मैं टाइम देखता रहा, फिर आज फिर भैया ने बोले कि मैं आ जाऊंगा। मैं आज भी देखता है, मेरे को लगा शायद कल में निकल गया था दिमाग से, तो इसलिए मेरे को आज आता मुझे, आज भी ऐसे ही हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। आज से मैंने सोचा है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा। उससे पहले आप ये देख लीजिए, एकदम भव्य शादी का टेंट लग रखा है, कितना प्यारा लग रहा है, देखो बहुत सुंदर। अभी जाएंगे खाना खाने यहाँ पे। तो अभी अज्जू आ चुका है साथ में, दोनों कर रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्किपिंग से, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, फिर जाएंगे शादी में खाने के लिए। नाइसली प्लेड, दो गेम खेले हैं, दोनों गेम अज्जू जीत गए। विनिंग सेलिब्रेशन, ये अज्जू तो ऐसे अच्छे ही खेलता है, टाइम लगेगा इसको हराने में थोड़ा। अब मेरा स्टैमिना बिल्कुल खत्म सा हो रखा है, रोज खेलूंगा तो आ जाऊंगा इसके लेवल तक। तो अभी भाई मिला था मेरे को, मेरे घर के बाहर आ गया था भाई। पर मेरे घर के अंदर क्यों नहीं गए तुम? वो तो मैंने अभी गाड़ी खड़ी करी, मैं अंदर जा रहा था तब तक भाई ऊपर से नीचे आ रहा था। मैं कोई होगा नहीं करते, अभी तो घंटी बजाए तभी तो पता चलता है कि है कि नहीं है। हाँ। मारी थी? नहीं नहीं, कुंडी मार रही थी बाहर से। हैं? हाँ। कौन से घर में गए तुम? नाम बताओ अपना। अक्षद। पूरा नाम बताओ। अक्षद रावत। शादी में आ रखोगे? हाँ। चलो ठीक है, तो मैं अब शादी में जा रहा हूँ और मम्मी आप वापस आ चुके हैं, तो मेन बात करते हैं फटाफट। अच्छा हाथ धो गई यार, अब जा रहे हो? अच्छा अच्छा, क्या बन रखा है बताओ? हमने कुछ नहीं खाया, हमने तो स्नैक्स खाई। खाना कहाँ खाती हूँ तेरे को पता है? मैं आपने है? मैंने भी खाना नहीं खाया ना भाई। बड़ा खाया? दही बड़ा? नहीं नहीं, दही बड़ा नहीं, सांभर बड़ा। 2 गिलास दूध। दूध बस बताओ। स्नैक्स इन्होंने खा लिया, खाना मैं टेस्ट करता हूँ। तो अभी सबसे पहले गोलगप्पे खा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे पानी की वैरायटी बहुत अच्छी है। मेरे भी देना है कटोरी भाई, और साथ में दो नौजवान लड़के आ रहे हैं हमारे साथ, देखते कौन कितना खा पाता है। अरे बाप रे, छोले भी डाले इसमें तो, वो तो अच्छा रहा। तो प्लेट ले लिए खाने के लिए, और सोच रहा हूँ आज भी ग्रीन वेजेस खाऊं सिर्फ, बिल्कुल हेल्दी डाइट। श्रेय 3-4 ककड़ी डाल दे, थोड़े से स्प्राउट भी डाल दे, 2 चम्मच। ये चने भाई, चने तो घोड़े है ना। ओ ब्रोकली, ब्रोकली सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू श्रेय, वेलकम भैया, बहुत हेल्पफुल है यार। अज्जू ले ले फटाफट, मैंने तो ले लिया था हेल्दी फूड, ये मेरा है भाई। तो हेल्दी फूड खा लिया हमने, अब डेजर्ट का टाइम आ चुका है। ये रहा गाजर का हलवा, बोरी रसमलाई, चलो रसमलाई भी चलते हैं। छोटी छोटी बना रही है। ये रसमलाई नहीं है, गोल मलाई। अच्छा ये हमें लोग मिसगाइड कर रहे हैं भैया, सब बोल रहे हैं रसमलाई है, रसमलाई है, गोल मलाई बोलते हैं इसे, रसमलाई नहीं। टेस्ट में दोनों सेम होती है, बस ये कि छोटे छोटे गोले हैं तो उसको गोल मलाई बोल दिया, वरना कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, अब थोड़ा कार्डियो कर लेते हैं। अबे आओ ना, शर्मा के रहो यार, और शादियों में कार्डियो कैसे कर सकते हैं, डांस करके। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अब मेरा प्लान था कि जमाला देख के जाएंगे, पर अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं और दुल्हन अभी तक नहीं आई है। ठंडा भी हो रहा था, वो जो आग लगा रखी थी उन्होंने वो भी बुझ गई थी, तो इसलिए हमने सोचा घर ही चलते हैं अब।